दिखा तो जल्द होने वाले हैं अमीर, शादी के बाद चमकता है किस्मत का तारा। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीचर। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह अपने जीवन में सुखी रहे और सुख शांति बनी रहे। जीवन को सुखमय बनाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ के साथ कई ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं ताकि उन्हें घर में और काम में सफलता मिल सके। लेकिन कई बार भाग्य का साथ नहीं मिल पाने के कारण व्यक्ति को मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे में व्यक्ति मानसिक तनाव महसूस करने लगता है। लेकिन हस्त रेखा शास्त्र में ऐसी कुछ रेखाओं के बारे में बताया गया है जिनके बारे में पता होने पर व्यक्ति को भविष्य की चिंता कम होगी। देखिए, हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी मेहनत के साथ भाग्य का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा के फायदों के बारे में। देखिए, हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली में बिना कटी फटी और स्पष्ट रेखा मौजूद होती है उसे बेहद ही शुभ और लाभदायी माना जाता है। लेकिन अलग अलग लोगों की हथेली में सूर्य रेखा अलग अलग स्थान से शुरू होती है। इतना ही नहीं, हथेली में मौजूद ये रेखाओं की बनावट अलग भी होती है। हस्त रेखा शास्त्र के मुताबिक सूर्य रेखा के अलग अलग होने से व्यक्ति को फल भी अलग अलग ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर आपकी हथेली में सूर्य रेखा शुक्र पर्वत से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक जा रही है तो ऐसे व्यक्ति बेहद ही भाग्यशाली होते हैं और किस्मत के धनी भी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद ऐसे लोगों के भाग्योदय होता है। वहीं हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली में सूर्य रेखा मंगल पर्वत से निकलकर हृदय रेखा को काटती है ऐसे लोग समाज में खूब मान सम्मान पाते हैं। साथ ही ये लोग बेहद ही ज्यादा मेहनती भी होते हैं और अपनी मेहनत के दम पर ही ऊंचा मुकाम भी पाते हैं। यदि आपके हाथ में भी ऐसी हस्त रेखा आपको दिखती है, सूर्य रेखा दिखती है और आपने इन चीजों का अनुभव किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।